आज है 2 अगस्त 2021, और 2 अगस्त 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और हर क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो की PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी। डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। सभी लिंकों को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वंतिका अग्रवाल। राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब वंतिका अग्रवाल ने जीता है। ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सरकार ने इस संबंध में उच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें बताया गया है कि कर्नाटक सिविल सेवा नियम 1970 में संशोधन के बाद अब अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है, जिसमें सभी सामान्य और साथ ही तीसरे लिंग के लिए आरक्षण श्रेणी में 1% आरक्षण तय किया गया है। कर्नाटक के बारे में जानकारी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्बई, कर्नाटक के गवर्नर थावर चंद्र गहलोत, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका। कर्नाटक के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कर्नाटक के हवाई अड्डे कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कर्नाटक के प्रमुख बांध कृष्ण राज सागर बांध, तुंगभद्र बांध, सुपा बांध इत्यादि। कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बनेर पटघट्टा राष्ट्रीय उद्यान इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक विजेता मीराबाई चानू को ASP नियुक्त किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुर। मणिपुर राज्य की सरकार ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक विजेता मीराबाई चानू को ASP असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नियुक्त किया है। मणिपुर के बारे में जानकारी, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन से हैं, मणिपुर के गवर्नर नजमा हेपतुल्ला, मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश पी वेंकट संजय कुमार। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। मणिपुर के 3 पड़ोसी राज्य हैं असम, नागालैंड और मिजोरम। मणिपुर लोकतट झील मणिपुर राज्य में स्थित है। मणिपुर का लोक नृत्य रखाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत बिल भुगतान प्रणाली की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नुपुर चतुर्वेदी। भारत बिल भुगतान प्रणाली में PayU और एयरटेल पेमेंट बैंक के पूर्व कार्यकारी नुपुर चतुर्वेदी को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। भारत बिल भुगतान प्रणाली भारतीय रिजर्व बैंक की एक अवधारणा प्रणाली है जिसका संचालन राष्ट्रीय भुगतान नियामक द्वारा किया जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यह प्रणाली सभी बिल के लिए एक अंतिम भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करती है। इस प्लेटफॉर्म या देश भर के ग्राहकों को भुगतान अंतरण विश्वसनीय और सुरक्षा के साथ साथ एक बेहतर और सुलभ बिल भुगतान सेवा उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने CBSE बोर्ड के साथ मिलकर AI फॉर ऑल पहल शुरू की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंटेल। इंटेल चिप बनाने वाली कंपनी ने AI फॉर ऑल पहल की शुरुआत के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ हाथ मिलाया है, जिसका लक्ष्य भारत में लोगों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बुनियादी समझ बनाना है। इंटेल के बारे में जानकारी, इंटेल की अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना 18 जुलाई 1968 को हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। इसके अध्यक्ष ओमर इसराक है। CEO पैट जेलसिंगर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अब्दुल्ला शाहिद। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के लिए मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को अध्यक्ष चुना गया है। यह पहली बार होगा जब मालदीव संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर आसीन होगा। यूएन, यूनाइटेड नेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूएसए में है। इसके सदस्य देश 193 हैं। अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय ने बजट एयरलाइन आकाश एयर को लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राकेश झुनझुनवाला। अरबपति निवेशक राकेश झुनझुनवाला की बजट एयरलाइन आकाश एयर इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में परिचालन शुरू कर सकती है। राकेश झुनझुनवाला की योजना अगले 4 साल में 70 एयरक्राफ्ट के साथ $3.5 करोड़, लगभग 260 करोड़ रुपए के निवेश से एक नई विमानन कंपनी शुरू करने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आशा भोसले। आशा भोसले गायिकाएं, भारत सरकार ने उन्हें 2000 में दादा साहेब फाल्के और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। टॉप पुरस्कार WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से डॉक्टर हर्षवर्धन को सम्मानित किया गया है। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 से इंदौर और सूरत शहर को सम्मानित किया गया है। जापान के प्रतिष्ठित ग्रेट फोकुआ पुरस्कार से पी साईनाथ को भारतीय को सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 डेविड डोपियो को सम्मानित किया गया है। स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस लिटरेचर अवार्ड 2021 से इमानुएल केरर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का जीआई टैग प्राप्त फाजिल आम बहरीन निर्यात किया गया है, इस आम का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। भौगोलिक संकेत प्रमाणिक फाजिल आम की खेप का बहरीन को निर्यात किया गया है। यह आम पश्चिम बंगाल के मालदा जिले का है। जीआई के दर्जे की वजह से उत्पाद को उनके उत्पादन की अच्छी कीमत मिलती है। कोई अन्य उत्पाद उस नाम का दुरुपयोग नहीं कर सकता। जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह का काम करता है। या उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के लिए आधार पर दिया जाता है। टॉप जीआई टैग करंट अफेयर्स रिवीजन, गुच्छी मशरूम जम्मू कश्मीर, हापुर आम का जीआई टैग महाराष्ट्र को है, सुंदरवन शहर शहद पश्चिम बंगाल, तेलिया रुमाल तेलंगाना, केसर जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो देशों की नौसेना के बीच कॉर्पेट संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत और इंडोनेशिया। कॉर्पेट इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल संस्करण इसका 36वां है। आयोजन स्थान हिंद महासागर, भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉर्पेट का 36वां संस्करण 30 और 31 जुलाई को हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया है। भारतीय नौसेना जहाज सरयू एक स्वदेशी निर्मित अपतटीय गश्ती पोत और इंडोनेशियाई नौसेना जहाज KRI बम टेम्बो इस युद्धाभ्यास में शामिल हुए हैं। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य वाणिज्यिक शिपिंग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बहसमुद्री गतिविधियों के संचालन के लिए हिंद महासागर क्षेत्र को सकुल और सुरक्षित करना है। टॉप संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है। पेसेज एक्सरसाइज अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। संतिर ओग्रेसेना बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास भारत भूटान श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच हुआ है। त्रिपक्षीय वरुण नौसेना अभ्यास भारत फ्रांस और यूएई के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 31 जुलाई। विश्व रेंजर दिवस हर साल 31 जुलाई को ड्यूटी के दौरान मारे गए या घायल हुए रेंजरों की याद में और दुनिया की प्रकृति और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए
रेंजर्स द्वारा किए गए कार्य का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। विश्व रेंजर दिवस उनके महत्वपूर्ण कार्यों का समर्थन करने का अवसर प्रदान करता है। यह प्रश्न आपके लिए है फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा फ्रेंड्स। और जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे वो रेंडमली सिलेक्ट होने पर जीत सकते हैं हमारे चैनल की तरफ से शानदार गिफ्ट। तो फटाफट से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ और फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, हमारे चैनल गूगल सर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आपको रोजाना आपके मोबाइल पर मिल जाएगी।